हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित स्पीति किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पिछले 2-3 सालों से तो ये जगह कुछ और भी ज़्यादा फेमस हो गई है, हर कोई यहाँ पे एक बार जरूर जाना चाहता है। हेलो गाइज, मेरा नाम है सुठा कौर और आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर हिमाचल। तो आज की इस वीडियो में बात करूँगा मैं, क्या आप मई जून जुलाई में स्पीति जा सकती हो, कैसी रहेगी वहाँ की रोड कंडीशन, होटल बजट और साथ ही में मेरी ओपिनियन, क्या आप जो वहाँ पर जा सकती हो या नहीं, तो सब कुछ बताऊँगा मैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब से जो अटल टनल बनी है तब से लेकर जो स्पीति वैली का क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अटल टनल बनने के बाद स्पीति वैली में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, वो चाहे रोड की बात करूँ या फिर मैं चाहे होटल की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है अटल टनल बनने के बाद हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा सारे लोग जो है पसंद भी करते हैं स्पीति जाना, जो मनाली जाता है वो जो है अटल टनल होकर स्पीति भी जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि स्पीति जैसी जगहों को भी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं रोड कंडीशन की मई जून जुलाई में स्पीति की। तो स्पीति जाने के लिए आपके पास दो ही रास्ते हैं, रास्ता है दिल्ली से मनाली और मनाली से ये आप जो है स्पीति जा सकते हो, और दूसरा रास्ता है बाय शिमला होके। तो दिल्ली से आप पहले शिमला, शिमला से आप जो है किन्नौर, किन्नौर के बाद आप जो स्पीति जा सकते हो। बात करूँ डिस्टेंस की तो दिल्ली से मनाली और मनाली से स्पीति आपको लगभग 745 किलोमीटर पड़ेगा। अगर बात करूँ मैं शिमला होके तो शिमला से किन्नौर और किन्नौर से स्पीति आपको लगभग 775 किलोमीटर आपको पड़ेगा दिल्ली से। तो मनाली से स्पीति वाला रोड तो 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है। अगर मैं शिमला वाले रोड की, तो शिमला वाला रोड जो है पूरे साल एक्सेसिबल रहता है, आप जो है पूरे साल आप काजा होके आप जो है स्पीति जा सकते हो। तो अगर मैं मनाली स्पीति वाले रोड की बात करूं तो जो है मनाली स्पीति वाला रोड जो है नवंबर का बंद होता है और जो है मई में खुलता है। अगर बात करूं मैं काजा वाले रोड की तो वो जो है पूरे साल खुला रहता है। तो बात करूं मैं मनाली और स्पीति वाले रोड की तो जो है मनाली स्पीति वाला रोड अभी फ़िलहाल बंद है, तो मिड मई तक जो है रोड को खोल दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अभी कुंजम पास में अभी काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी है, तो वहाँ पे जो स्नो हटाने का काम जारी है। तो अगर आपको अभी जाना है, मई में जाना है, तो आप जो है शिमला होके आप जा सकते हो। बात करूँ मैं जून की रोड कंडीशन की तो आपको जो है शिमला होके आपको काफ़ी अच्छा रोड मिल जाएगा। अगर बात करूँ मैं मनाली होके तो मनाली होके थोड़ा सा रोड जो है उस टाइम जून में जो बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाती है, तो उस वजह से जो है रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आपको जो है जगह जगह पर आपको नाले देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। बात करूँ मैं जुलाई की तो जुलाई में जो है प्री मानसून स्टार्ट हो जाता है, तो जुलाई में जो किन्नौर वाला रोड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो आपने पिछली बार भी सुना होगा काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड जो है जुलाई और अगस्त में किन्नौर में हुए, तो जुलाई में जो है किन्नौर वाला रोड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर बात करूँ मैं मनाली वाला रोड की जुलाई की तो वहाँ पे भी जो लैंडस्लाइड होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा लैंडस्लाइड नहीं होते हैं। तो अगर वैसे तो मैं बिल्कुल आपको अवॉइड करता हूँ कि आप जो है मानसून के टाइम पे स्पीति ना जाए, तो स्पीति में तो जो बारिश नहीं, लेकिन आपको तो जाना तो आपको जो है मनाली और शिमला से ही पड़ेगा, तो जो है रास्ते में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं उस टाइम। तो मैं तो आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप जो है मानसून के टाइम पे जाए। तो फिर भी आपको जो जाना है तब मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप जो है मनाली से स्पीति होके जाएँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रास्ता है अगर बात करूँ मैं किन्नौर होके। तो बाकी जो है आपको कहाँ से जाना चाहिए कहाँ से नहीं जाना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का लास्ट में बताऊँगा। पहले मैं बात करता हूँ होटल के बारे में मई जून जुलाई की। तो होटल आपको स्पीति वैली में कहाँ पर मिलेंगे? अगर आप दिल्ली से शिमला होकर स्पीति जाते हो तो फर्स्ट डे आपका जो है शिमला में होगा, और फर्स्ट नाइट का स्टे आपका शिमला में होगा, और सेकेंड नाइट आप जो है शिमला से आप किन्नौर का सेकेंड स्टे होगा, उसके बाद जो है थर्ड डे आपका किन्नौर से लेकर आपका स्पीति का होगा। तो अगर बात करूँ मैं मनाली होके तो आपका फर्स्ट डे आप दिल्ली से मनाली होगा, और उसके बाद आपका जो सेकेंड डे मनाली से स्पीति होगा। तो किन्नौर होके आपको जो एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा स्पीति जाने के लिए, बाकी अगर मनाली होके जाओगे तब आप सिर्फ 2 ही दिनों में आप जो है स्पीति पहुंच जाओगे। तो मई में जो स्पीति अनलॉक होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस टाइम जो है होटल और रेस्टोरेंट की साफ सफाई स्टार्ट हो जाती है, और मिड मई तक जो है सभी रेस्टोरेंट और होटल आपके लिए खोल दिए जाएंगे। मई में जो है होटल खुलने स्टार्ट हो जाते हैं स्पीति में, तो मिड मई तक जो मैक्सिमम होटल खुल जाते हैं। तो अगर आप जो है मनाली से होके जाओ या फिर आप शिमला होके जाओ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी होटल के रिकॉर्ड, आपको जो रास्ते में आपको होटल्स मिल जाएंगे, साथ ही में आपको जो है खाने के लिए आपको होटल्स या रेस्टोरेंट आपको सब कुछ मिल जाएगा, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बात करूँ मैं जून की तो जून में तो मैक्सिमम होटल खुल जाते हैं, क्योंकि इस टाइम जो पीक सीजन रहता है स्पीति में, तो बहुत सारे टूरिस्ट जो इस टाइम स्पीति के लिए जाते हैं। मैं वहाँ पर पीक सीजन की बात करूँ तो जो है 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक जो है स्पीति में पीक सीजन रहता है। इस टाइम जो आपको होटल के रेट भी काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलेंगे, साथ ही में जो टैक्सी के रेट भी आपको काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलेंगे। तो अगर आप जो बजट ट्रैवलर है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है मई में आए, क्योंकि इस टाइम आपको जो है कुंजम पास में आपको काफ़ी स्नो देखने के लिए मिल जाएगी, साथ ही में जो है होटल के रेट भी आपको काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। तो अगर आप बजट ट्रैवलर है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है मई में ही आए। तो चलिए मैं बात करता हूँ आप जो है मई जून जुलाई में आप स्पीति में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं।
जून जुलाई में आप की मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री, पिन वैली नेशनल पार्क, कुंजुम पास और अनकर मोनेस्ट्री ऑफ चंद्रताल लेक में आप जो है घूम सकते हो। चंद्रताल लेक जो हिमाचल की सबसे ब्यूटीफुल लेक में से एक है, तो आप जो है वहाँ पे घूम सकते हो और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय आप वहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब जाना चाहिए स्पीति और कैसे जाना चाहिए। तो अगर आपके पास जो है बजट कम है और टाइम आपके पास कम है, तब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है मनाली होके ही जाएं। तो अगर आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है और आपके पास टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, तब आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है किन्नौर होके आप जो है स्पीति जाएं। किन्नौर होके आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको जो है एटीट्यूड सिकनेस है या फिर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तभी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है किन्नौर होके ही जाएं, क्योंकि किन्नौर होके जो है आराम से आप जो है हाई एटीट्यूड की तरफ जाते हैं। अगर मैं मनाली वाले रोड की बात करूँ, तो आप जो सीधे एकदम से हाई एटीट्यूड में चले जाते हो, जिसकी वजह से जो आपको एटीट्यूड सिकनेस हो जाती है और आपको जो है सांस की प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर आपके पास बजट और टाइम की कमी नहीं, तब आपके पास एक जो है अच्छा ऑप्शन रहता है, तब आप जो है दिल्ली से आप जो शिमला जा सकते हो, शिमला से आप जो है किन्नौर, किन्नौर से आप जो स्पीति जा सकते हो, स्पीति से आप जो है मनाली और मनाली से आप जो है दिल्ली जा सकते हो। आपको जो है सभी प्लेसेस आपके कवर हो जाएंगे, साथ ही में आपको जो है हर बार एक न्यू प्लेसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप जो स्पीति वैली आ रहे, तो आप जो है मैक्सिमम 6 दिन का टूर आप जो है प्लान करके ही आए, साथ ही जो है मिनिमम बजट आपको लगभग 15,000 से 20,000 के बीच में आपको होना ही होना चाहिए। तो मई में आपको जो है थोड़े से वार्म कपड़े लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मई में जो है आपको ठंड देखने के लिए वहाँ पे मिल जाएगी। तो टेम्परेचर की बात करूँ, तो दिन को वहाँ से 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा और रात को जो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर रहेगा। तो मई में ज़रूरत पड़ेगी कि आप जो है वार्म कपड़े अपने साथ जोर ले आएँ। तो अगर मैं जून की बात करूँ, तो जून में थोड़ी बहुत गर्मी वहाँ पे हो जाती है, तब आपको जो है थोड़े से लाइट वार्म कपड़े लाने की ज़रूरत। उम्मीद है कि आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे आप जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।